guys, welcome to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing great. So guys, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक. सो आप देख के थोड़ा गेस कर सकते हो कि मैंने ये किस लेडी का इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है. सो मैंने ये इंस्पायर्ड लुक किया है स्मिता दीपक मैम का. सो मैंने उनके बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल मेकअप लुक का रिक्रिएशन किया है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था. तो मैंने ये लुक इसलिए चूज़ किया क्योंकि एंड अब फेस्टिवल का टाइम है तो ये लुक ज़्यादा सही रहता, इसलिए मैंने ये लुक चूज़ किया है. एंड शी इज़ सच अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट. मैंने उनके वर्क में जितना परफेक्शन देखा है, मैंने शायद ही किसी के वर्क में मेकअप में इतना परफेक्शन देखा हो. आप उनके बिफोर एंड आफ्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, आपके गूज बम्स हो जाएंगे. मेरे तो हो जाते हैं, मैं जब भी उनका वीडियो देखती हूँ ना, मेरे गूज बम्स हो जाते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के. इतना ज़्यादा मतलब आपको वो दिखेगा, उनका वो परफेक्शन आपको दिखेगा उनके वर्क में. सो सी इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए, उनके वर्क के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं उनके लुक को थोड़ा भी टच कर पाऊँ. एंड मुझे पता है मैं उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, आई नो वेरी वेल. बट फिर भी आई जस्ट होप कि उन्हें मेरा ये रिक्रिएशन पसंद आया हो. सो या गाइज, दैट्स ऑल. सो अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, मैंने ये रिक्रिएशन कैसे किया है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें. एंड अगर आपको ये लुक पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे. एंड अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो या दैट्स ऑल. सो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली हम अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का. हमें स्किन केयर अच्छे से करके अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद ही मेकअप स्टार्ट करना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है. मैंने गुड वाइब्स का कोकोनट क्रीम लिया है. देन मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ सीरम, एंड दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स. एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा सीरम है गाइस, ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सही सीरम है. सो इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, एंड जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे का ब्लर प्राइमर. एंड ये भी बहुत ही अच्छा प्राइमर है, तो इसे मैं अच्छे से अपने टी जोन एरियाज पे अप्लाई कर लूँगी. सो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन. एंड मेरा शेड है 220 नेचुरल बीज. सो इसे मैं फिंगर की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. देन मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ब्रश लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. एंड मैं इसे अपने डाउनवर्ड मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ. फाउंडेशन की कवरेज भी अच्छी है, आप इसे बिल्डअप भी कर सकते हो. बट मैंने बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन लिया था, मैंने जस्ट वन पंप लिया था. एंड उसके बाद भी इसकी कवरेज मुझे सही मिल गई है. आप चाहो तो दो पंप लेके इसे बिल्डअप कर सकते हो, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर वगैरह तो कवरेज सही हो जाएगी. एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस नहीं चाहिए. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है हमारा बेस अभी. सो देन मैंने यहाँ पे लिया है एन बाई बे का ये कॉन्टोर स्टिक, एंड ये क्रीम बेस में है. एंड मेरा शेड है इसमें टॉफी. सो इसे मैं अच्छे से अपने चिक बोन पे, फोरहेड पे, अपने जॉ लाइन पे एंड ऑल्सो माई नोज़, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो इन एरियाज़ को मैं अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी. एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से अपवर्ड मोशन में इसे ब्लेंड कर रही हूँ. आप देख सकते हो मैं इसे अपने हेयर लाइन से ज्वाइन करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि फिर वो अलग सा दिखेगा तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, नेचुरल सा लुक नहीं देगा. तो दैट्स वाई मैं इसे अपने हेयर लाइन से ज्वाइन करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ. देन मैंने अपने ब्रश को हल्का सा पिंच कर लिया है. एंड देन मैं अपने नोज़ को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. देन मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है एंड इसे मैं अपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि मेरे अंडर ऑफ द आईज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड,
एंड माई माउथ के अराउंड, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से आपके पिगमेंटेशन होते हैं तो वहाँ पे, एंड मैं अपने चिक बोन्स के कॉन्टूर को शार्प करने के लिए हल्का सा वहाँ पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ताकि वो शार्प दिखे एंड बहुत ही अच्छा दिखे। सो अब मैंने ये सेम ब्रश लिया है एंड अच्छे से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। एंड अपने अंडर आईज को ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे स्मॉल स्पंज लिया है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ मेकअप रिलेशन का ये लग्जरी पाउडर, ये बनाना पाउडर है एंड इससे मैं अपने जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ वहाँ इसे मैं बेक कर लूँगी। देन मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का कॉम्पैक्ट किया है। एंड गाइस आपको मेरा ये रिक्रिएशन कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने कितना हद तक उन्हें टच किया है आप मुझे ये बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। सो देन मैं यहाँ अपने सारे जो भी एक्स्ट्रा पाउडर थे मैं उसे डस्ट ऑफ कर ले रही हूँ। सो अब हम फिल करेंगे अपने आईब्रो को। सो फर्स्टली मैं अच्छे से आईब्रो को कॉम कर लूँगी स्पूली की हेल्प से एंड देन मैं इसे फिल कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक ग्रे शेड लिया है जिसकी हेल्प से मैं अपना आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एंड अश्मिता मैम की जो आईब्रो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डार्क है एंड वो बहुत ही अच्छे से उसे फिल कर लेती है तो और ज़्यादा वो अच्छा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है। सो इसलिए मैंने भी अपने आईब्रो को थोड़ा डार्क किया है रोज़ की कंपेयर, मैंने आज अपने आईब्रो को थोड़ा डार्क किया है। देन मैंने अपने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई किया है एज अ बेस। सो इसे मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो। देन आई शेडो के लिए उन्होंने एक रोज शिमरी शेड लिया था तो मैंने भी स्विस ब्यूटी के विंकी पैलेट से ये रोज शिमरी शेड लिया है एंड इसे मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई करने का सोचा बट अच्छे से शिमरी शेड अप्लाई नहीं होता है ब्रश की हेल्प से। सो देन मैंने फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करना ट्राई किया। सो इसे मैं अच्छे से अपने पूरी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ जैसे कि स्मिता दीपक मैम ने अप्लाई किया था। देन मैंने यहाँ पे ये पीची वॉर्म शेड लिया है एज अ ट्रांजिशन शेड। सो स्मिता मैम ने भी कुछ ऐसा ही एक शेड लिया था एंड उन्होंने अपने एक ट्रांजिशन शेड की तरह उसे अप्लाई किया था अपने क्रीज पे बहुत ही लाइट हैंड से। सो मैं भी सेम लाइट हैंड से इसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैंने सेम कलर को ट्रांजिशन शेड को अपने लोअर लेस लाइन पर अप्लाई किया है। देन अब बारी आती है काजल की। सो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डार्क काजल अप्लाई किया था। सो ये मैंने यूज़ किया एस्ट्रेकर की का आई लव यू टू काजल एंड ये बहुत ही ज़्यादा डार्क काजल है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है इसलिए मैंने ये काजल अप्लाई किया है। सो उनकी भी काजल बहुत ज़्यादा डार्क थी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने थिक काजल अप्लाई किया था। सो मैं यहाँ अपर वाटर लाइन को भी टाइट लाइन कर रही हूँ, देन आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों आइज़ में। तो उन्होंने एक विंग स्मोकी आई लाइनर ड्रॉ किया था बहुत ही सटल सा एंड काजल की हेल्प से इन्होंने भी अप्लाई किया था। सो मैंने भी काजल की हेल्प से एक स्मोकी सा आई लाइनर ड्रॉ किया है एंड मैं हल्का लिटिल बिट सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ, उन्होंने भी एक लिटिल बिट सा विंग ड्रॉ किया था। देन मैं अपने काजल को और ज़्यादा थिक कर रही हूँ एंड एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो। देन मैंने यहाँ पे लोटस का मस्करा लिया है। सो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मस्करा अप्लाई किया था जिससे कि उन्हें फॉल्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उन्होंने फॉल्सेस नहीं अप्लाई की थी। सो मैं इस मस्करे को अच्छे से 2 से 3 कोट लगाऊंगी एंड उन्होंने अपने लोअर लैसेस पे भी अच्छे से मस्करा अप्लाई किया था। सो मुझे बहुत डर लगता है बट फिर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ,
ताकि मैं उनके लुक को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाऊँ। देन ब्लश के लिए मैं सेम पैलेट से बीजी शेड ले रही हूँ एंड उसे मैं अपने चिप्स पर अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए मैंने SFR पैलेट से हाइलाइटर शेड लिया है एंड इसे मैं अपने अच्छे से हाइलाइटिंग पॉइंट पे अप्लाई कर रही हूँ। माय चिक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, फॉरहेड एंड चिन पे भी एंड ऑल्सो माय लिप्स। सो जब आप लिप्स के शेप पे अप्लाई करते हो हाइलाइटर तो आपके सेप जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। जब आप लिपस्टिक अप्लाई करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही देखने में ब्यूटीफुल लगता है। देन मैं यहाँ अपने ब्राबून को भी हाईलाइट करूँगी एंड ऑल्सो माई इनर कॉर्नर। लिपस्टिक में उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा रेड शेड अप्लाई किया था जो कि थोड़ा डिफरेंट सा रेड था, बहुत ही वाइब्रेंट सा रेड था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मैंने यहाँ लैक्मे का रेड शेड अप्लाई किया है एंड इसे मैं और वाइब्रेंट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड रेड एंड ये बहुत ही प्यारा सा वाइब्रेंट सा रेड है। सो या दैट्स इट एंड या गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। मैंने इयररिंग्स वेयर कर ली है एंड मैंने ये दुपट्टा लिया है, मेरे पास भी कोई इस तरह की साड़ी नहीं थी तो मैंने भी दुपट्टा वेयर किया है एंड मैम ने भी इस तरह का एक दुपट्टा ही वेयर किया था। सो या मैंने अपने साइड से 100% देने की कोशिश की है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उनके लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को पसंद आए, आप लोग को अच्छा लगे। सो मुझे जहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक मुझे हो पाया मैंने किया है। सो अब तो आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा ये लुक, मैं कहाँ तक रीच कर पाई हूँ उनके लुक को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड मैं आपको क्लोथ से दिखा देती हूँ आई मेकअप। सो आपको अच्छे से समझ में आएगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बाय गाइस।